दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 64 रन और पारी के अंतर से जीत मिल चुकी है, जिसके बाद अब भारतीय महिला खिलाड़ियों का बयान सामने आया। इस दौरान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना से लेकर शेफाली वर्मा, मिताली राज ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह में कौन महान गेंदबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 64 रन और पारी के अंतर से जीत दर्ज की। दरअसल इस धर्मशाला टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी तीसरे दिन 477 रनों पर समाप्त हो गई। टीम इंडिया ने 259 रनों की बढ़त हासिल की। जवाब में इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 195 रन ही बना सकी। भारत ने पारी और 64 रनों से मैच जीतने के अलावा सीरीज पर 4-1 से कब्जा भी जमाया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से अश्विन ने 5, कुलदीप और बुमराह ने 2-2 विकेट हासिल किए, जहां पर कुलदीप को मैन ऑफ द मैच और यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। और ऐसे में भारत की जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों का तीनों को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान आया, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सभी को प्रभावित किया है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो वहीं गेंदबाजों ने भी सभी को प्रभावित किया। और इस मैच के अंदर कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के अलावा कप्तान रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं जसप्रीत बुमराह की भी अंतिम दिन बेहतरीन कप्तानी देखने को मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुमराह के अलावा रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की और बेहतर गेंदबाजी करते हुए बता दिया कि भारत को हराने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं मिताली राज ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जिस तरीके से पहली इनिंग्स में सभी को परेशान किया था, उसी तरीके से दूसरी इनिंग में भी सभी को परेशान कर दिया और बता दिया कि इन गेंदबाजों के अलावा भारतीय टीम के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर आराम से जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में परेशान करना और भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज के अंदर हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय टीम को भारत के घर में हराना तो समझो असंभव ही है। तो वहीं शेफाली वर्मा ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन इस मैच के अंदर देखने को मिला है। जिस तरीके से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारतीय टीम को भारत के घर में हराना मुश्किल है। इंग्लैंड की टीम अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही थी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भारतीय टीम को भारत के घर में खुद ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं हरा पाई है, तो इंग्लैंड की टीम तो ऑस्ट्रेलिया से भी कमजोर है और ऐसे में वो कैसे हमारे खिलाफ जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए इस सीरीज से जीत बड़ी फिलहाल टेस्ट में कोई भी नहीं है। तो वहीं स्मृति मंधाना ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने तो शानदार कप्तानी की, साथ ही में शानदार बल्लेबाजी की। इसके अलावा कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन तीनों ने दूसरी पारी के अंदर अच्छी गेंदबाजी कर इंग्लैंड की टीम को तीसरे दिन के अंदर ऑल आउट कर मैच को जीत लिया है और बता दिया कि भारत को कमजोर समझना दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को इस सीरीज में जायसवाल के रूप में सबसे बड़ा खिलाड़ी मिल गया है, जो कि मैच को पूरी तरीके से पलट सकता है और ऐसे में अब भारतीय टीम को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।